हेलो साथी नमस्कार अहिले तपाईहरु हेरिराख्नु भएको छ नेपाल एजुकेशन यूट्यूब चैनल म तपाईहरुको टेक्निकल साथी भूपेन्द्र शाह। आज को यह भिडियो हमी थम्मेल को बारे में कुरा गर्छौ। थम्मेल किन हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ, थम्मेल किन चाहियो एउटा युट्युबरलाई। यदि तपाई नया युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईलाई सबभन्दा बेस्ट सबभन्दा मेन कुरा तपाईहरुलाई के बुझ्नुपर्छ भने थम्मेल राम्रो हुनुपर्छ। यदि थम्मेल राम्रो छैन भने तपाईहरु भिडियो कोही पनि हेर्दैन, तपाईको भिडियो स्किप जान्छ। तपाईहरुको भिडियोमा यदि क्लिक गराउनु छ भने तपाईको थम्बनेल एट्र्याक्टिभ हुनु पर्यो, आई स्टचिङ हुनु पर्यो है। यदि मान्छेले हेर्नबित्तिकै त्योमा एकचोटि क्लिक गरोस् लाग्नु पर्यो। यदि तपाई नयाँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईको सबभन्दा पहिला थम्बनेल राम्रो बनाउन कसरी, हामी अब थम्बनेल मोबाइलबाटै कसरी बनाउन सक्छौ आज हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्छौ। म तपाईहरुलाई डेमोको साथ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनमा तपाईहरुको यहाँ छ। यो तपाईहरु मोबाइलबाटै बनाउन सक्नुहुन्छ है। यो मोबाइलबाट कसरी बनाउनुहुन्छ त्यसको बारेमा हामी आज कुरा गर्छौ। यस्तो खालको थम्बनेलहरु बनाउनलाई हामी के गर्छौ भने भिडियो अलि लामो हुन्छ, त्यही पनि तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। जो साथीहरु नयाँ हुनुहुन्छ युट्युबरमा, यदि प्रोफेसनल थम्बनेल बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियो हेर्नु होला। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक सब्सक्राइब र शेयर गरिदिनु होला, साथै बेल आइकनलाई पनि थिचिहाल्नु होला ताकि यस्ता खालको टेक्निकल भिडियोहरु सबभन्दा पहिला तपाईकोमा जाओस्। जब हामी टाइम नलगाइकन आफ्नो मोबाइलतिर आउँछौँ, तपाईहरुको मोबाइलमा तपाईहरुसँग फिक्सर ल्याब हुनु पर्यो। यो फिक्सर ल्याब यदि तपाईहरुको छैन भने तपाईहरु यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो फिक्सर ल्याब यदि तपाईहरुसँग छैन भने तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो एप्स प्ले स्टोरमा छ, प्ले स्टोरबाट तपाईहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईहरु के गर्नु, प्ले स्टोरमा गएर यहाँबाट फिक्सर ल्याब लेख्नु होला है। यहाँबाट फिक्सर ल्याब PIXELLAB फिक्सर ल्याब, यो माथिको जुन आउँछ त्यसलाई थिच्नु होला। र थिच्नुहुन्छ भने यस्तो खालको फिक्सर ल्याब आउँछ, यहाँबाट तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हो तपाईँको है हाम्रो थम्बनेल बनाउने। यहाँबाट तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भने यदि तपाईँमा इन्स्टल छैन भने यहाँ इन्स्टल देखाउँछ, इन्स्टल गर्नु होला। यदि मेरोमा यहाँ अलरेडी इन्स्टल छ, मेरोमा अलरेडी इन्स्टल छ, यहाँ तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नु, म ओपन गर्छु। ओपन गरेपछि यस्तो हाम्रो यसको चाहिँ डिस्प्ले खुल्छ। यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा यहाँ माथिमा हाम्रो के हुन्छ भने न्यू टेक्स्ट, यहाँबाट हामीलाई के गर्नु पर्यो यसलाई यहाँबाट डिलिट गरिदिनु है। यहाँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ डिलिट बटन छ, डिलिटमा गएर यसलाई डिलिट गरिदिनु है। यो हामीलाई चाहिँदैन, हामी एडिट गर्छौँ। त्यसपछि सबभन्दा पहिला यहाँ कर्नरमा तिनवटा पोइन्ट छ है, यहाँबाट तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तिनवटा पोइन्ट दिएको छ। यो कर्नरमा गएर हामी के गर्छौँ भने यो तिनवटा पोइन्ट दिएछ, यहाँ क्लिक गरेर हामी के गर्छौँ भने साइज पहिला लिन्छ है। यसमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि यस्तो खुल्छ। यहाँबाट हाम्रो के गर्छौँ भने इमेज साइजमा जानु होला है। यहाँबाट इमेज साइजमा गएर हामी के गर्छौँ भने यहाँबाट के गर्छौँ कस्टममा गएर यहाँ तपाईँको कस्टमबाट हामी आफ्नो हिसाबले मिलाउन सक्छौँ। स्क्वायरमा बनाउनु पऱ्यो भने स्क्वायरमा, जस्तै हामी इन्स्टाग्रामहरूको लागि, फेसबुकहरूको लागि बनाउँछौँ, त्यसपछि हाम्रो प्रोफाइल पिक्चरको लागि बनाउँछौँ, युट्युब च्यानल ब्यानर बनाउन चाहन्छौँ त्यो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ युट्युब थम्बनेल छ, यहाँ तपाईँहरूलाई थम्बनेल बनाउनु छ, या फेसबुक कभर आर्टले बनाउनु छ, गुगल प्लस कभर पेज बनाउनु छ, होइन ट्विटर हेड साइज बनाउनु छ, हेडर साइज, यहाँ थुप्रै दिएछ। तपाईँहरूलाई यहाँबाट चुज गर्नुपर्छ, यहाँबाट हेर्नु है। यहाँ तपाईँहरू के चुज गर्न सक्नुहुन्छ भने युट्युब थम्बनेल यहाँ दिएकै छ, यो साइज के थिच्नु होला। अब यसमा थिच्नुहुन्छ भने यो आफै साइज लिइहाल्छ। यहाँबाट हाम्रो यसको साइज हुन्छ 1280 र 1280 है। यहाँबाट ओके गर्नु होला, सरी कुन साइज हाल्नु, साइज हाल्यो, कुन साइज हाल्यो, कुन साइज हाल्यो। यहाँबाट इमेज साइजमा गएर तपाईँहरू यहाँबाट कस्टममा गएर यहाँबाट युट्युब थम्बनेलमा क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट 1280 र 720 आउँछ, ओके गर्नु होला है। अब हाम्रो यो पेज आयो, यो पेजलाई हामीलाई कलर गर्नु पऱ्यो होइन। त यहाँबाट तपाईँलाई चारवटा बटन देखाउँछ, पाँचवटा है। त यहाँबाट हामीलाई बढी काम लाग्नु, यहाँबाट एबाट हामी लेख्न सक्छौँ। त्यसकै साइडमा हाम्रो छ एउटा यो बटन, जहाँ हामी सेटिङ गर्छौँ, यहाँबाट सेपहरू मिलाउँछौँ, यहाँबाट कलरहरू मिलाउँछ है। यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने यो बिचको बटन थिचेर यहाँबाट तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भने कुनै चिज इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट हामी यो दुईवटावाला बक्स दिएछ, यसमा क्लिक गरेर हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला यहाँ यो पेजको जुन हाम्रो कलर छ त्यो कलरलाई चेन्ज गर्नु होला। यहाँबाट थुप्रै कलरहरू छ, तपाईँहरूलाई जुन कलर चाहियो यहाँ हेर्नु चेन्ज भइरहेछ है। यहाँबाट कलर तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भने चेन्ज, जस्तै कि मैले यो कलर चुज गरेँ, यहाँ प्लसमा क्लिक गरेर तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसको डाइरेक्सन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँलाई जुन यो चेक गरिहाल्नु एकचोटि, जुन तपाईँलाई राम्रो लाग्छ त्यो अनुसारले डाइरेक्सन चेन्ज गरेर ओके गरिदिनु होला। जस्तै मैले यो चुज गरेँ, अब ओके गरिदिएँ है, टिक लगाइदिनु होला। त्यसपछि अब हामी यसलाई के गर्छौँ भने एकछिन यसको जुन हामी यो थम्बनेलमा हेरेछौँ, तपाईँहरूले हेर्नुभयो यो थम्बनेलमा यस्तो, अब त्यस्तो हामीले कसरी गर्नु पऱ्यो है। जस्तै यो कारहरू लागेको छ, साइडमा यस्तो बक्स बनेछ, यो बक्स बनाउनलाई हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला यहाँ फेरि हामी फिक्सर ल्याबमा आएर यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने यसलाई के गर्नु होला भने तपाईँहरू
ट्रांसपेरेंट में जानू होगा तो अलरेडी कलर चेंज भैया तेस पच्चीस हम के यहाँ पर हमी ट्रांसपेरेंट में गए यहाँ पर हम के ड्र इसमें क्लिक करें यहाँ पर हम के ड्र में जानू होगा हाई ड्र में गए यहाँ पर हम के कुछ कलर चूज कर जस्ते कि यहाँ कुन कलर से एकचोटी म हेरिहाल्छु इसको ये कलर से यहाँ पर यह हल्का ग्रीन छ यहाँ पर मैं कुछ कलर लिया यहाँ पर जस्ते यो कलर लिया यहाँ पर तब के अलग तल कर यहाँ फिल इन साइड में ये ओके कर दून होगा अभी यहाँ पर के औला लीर तब इसी तानु हाई इसी ड्र करूँ अस पच्छी यहाँ पर इसी मिलाइन अब हेन कलर चेंज भो हाई ये अलग मिलेन फिर म एकचोटी करूँ हाई तब मिलाएर गुना यहाँ पर तल को फिल इन साइड में टिक लगाए पीछे यहाँ पर औला इसी ड्र करने अभी यहाँ पर इसी मान मैं ब्लैक कर दे ठीक है कहीं छेन यहाँ पर ओके कर दून होगा रोला यो जो अलग सेप बना इस तब सेप कर सेप बटन से यहाँ माथि को सेप बटन में गए तब के इसलिए सेप गए यो पीएनजी फाइल में इसलिए सेव एज प्रोजेक्ट में या तो सेव इमेज एज में सेव एज इमेज में क्लिक करें यहाँ पर तब कस्टम में गए यहाँ पर तब अल्ट्रा करें इसलिए सेव कर हाई ये इमेज सेव भैया जब हम के यो तब को वाईफाई कनेक्ट यो एड देखा यो एड बंद कर दून हाई यहाँ पर स्किप कर इस बंद कर दूँ जब फिर हम आया आपको पेज में यहाँ पर हम के यहाँ पर कलर में यह ट्रांसपेरेंट हटा कलर में जब यहाँ पर हम के इसलिए काट दूँ हाई यहाँ पर हम कलर में गए के जो कलर लिये थे पैला सेटिंग करूँ तब यहाँ पर जैसे मैं ये कलर लिये थे ये कलर ग्रेडिएंट में हाई जैसे सुरू में आईह तब को जो कलर हाल्न भाई सेव हो हेन यहाँ सेव भाई जब इसलिए हम के इसलिए अलग तब एडजस्ट कर ठूल कर दून हाई अलग यहाँ पर यह बटन तानेर इसी ठूल कर ये काम सको जब हम के इसमें तब कलर भरना चाहूँ कलर पर फिल कर सकूँ यहाँ पर कलर यो बीच को बटन में क्लिक यहाँ पर तब फिल में गए इसलिए एनेबल कर जो कलर चाहिए यहाँ पर तब कलर चेंज भी कर सकूँ हाई तब आप जो सेप बनाने भो तो सेप को कलर भी चेंज कर सकूँ जस्ते मैं यहाँ पर रातो नहीं राम्रो थियो यहाँ पर रातो चूज कर यहाँ पर जो कलर तब चाहिए तो कलर चूज कर अब इसमें मैं बोर्डर चाहिए हाई तो बोर्डर देने सब यहाँ पर स्टोक दिए स्टोक में गए तब स्टोक एनेबल कर यहाँ पर स्टोक कलर कस्तो दिनुहुन्छ है यहाँ पर जस्ते म ब्ल्याक गर्दै यहाँ पर तपाईहरु साइज पनि बढाउन सक्नुहुन्छ यहाँ पर हेर्न सक्नुहुन्छ है यो तपाईहरु यहाँ माइनस मा क्लिक गर्छ भने साइज घट्छ यहाँ प्लस मा क्लिक गर्नुहुन्छ भने साइज बढ्छ है यो तरिकाले तपाईहरु के गर्नु तपाईलाई कति साइज दिनु छ त्यो दिइहाल्नु होला अनि ओके गर्दिनु होला है टिक लगाइदिनु होला यो यति काम सक्यो अब मलाई एउटा बक्स ड्र गर्नु छ है त्यो ड्र गर्नलाई यही बीचकै बटनमा गएर हामी शेपमा गएर के गर्छौं भने यो रेक्टेंगल लिएर यसलाई अलिकति ठूलो गर्दिनु होला र यसलाई रोटेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरु यह कलर दिन चाहूँ भी यहाँ पर कलर भी चूज कर सकूँ सेप चेंज कर चाहूँ इसमें क्लिक कर तब सेप भी चेंज कर सकूँ हाई जस्ते मैं बक्स बक्स रहना दिशु यहाँ पर कुछ कलर हाली हाल हाई जस्ते म यहाँ पर ग्रेडियन में क्लिक कर पैलाक जस्ते कलर ले हाल्छ अलग मैच करके कर दी यहाँ पर अलग स्टोक भी मिली हाल्छ हाई यहाँ पर तब हेन सकूँ स्टोक यहाँ पर तब के सकूँ दुई चार छोड़ी यदि चलाने तब याद हो मजा लगे यहाँ स्टोक में गए तब स्टोक मिला सकूँ हाई यहाँ पर हतार नगर्नु होला बिस्तार गर्नु होला है यदि तपाईको फर्स्ट टाइम छ भने तपाईहरु बिस्तार गरेर यहाँ पर स्टोक में गए तब स्टोक दिन सक्नुहुन्छ है यहाँ स्टोक अनेबल गर्नु होला यहाँ पर हेर्नु है म यसको कलर चाहिँ ब्ल्याक राख्दिन्छु है अनि यसको चाहिँ स्टोक विड्थ दिए छ यो स्टोक विड्थबाट तपाईहरु के गर्नु यहाँ प्लस गरेर अलिकति बढाइदिनु है साइड लाइन यो यति काम त सक्यो है यसलाई रोटेट गर्नु पर्यो नि यहाँबाट हामी रोटेट गर्दिन्छौ यसलाई यसरी हामी एडजस्ट गर्छौ अब यो लेयरलाई यसलाई हामी लेयर भन्छौ तपाईहरु लेयरमा गएर यसलाई तलमाथि यो लेयरमा गएर तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले जति इमेज ड्र गर्नुहुन्छ यसलाई तलमाथि सार्न सक्नुहुन्छ यो तरिकाले तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ नि यसलाई उठाएर यहाँबाट के गर्न सक्नुहुन्छ नि तल गर्दिनु होला अब हाम्रो यति काम सक्यो फेरि लेयरमा क्लिक गर्दिनु यो तल गयो ल गाडीहरु ल्याउनलाई अब कुनै फोटोहरु ल्याउनलाई हामी के गर्छौ भने यहाँ तपाईहरुको यहाँ माथि प्लस छ है यहाँ प्लसमा गएर तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईहरु गाडीहरु ल्याउनलाई तपाईहरु के गर्नु यहाँबाट प्लस को साइन दिए है यहाँ प्लस को साइन में जानु होला है यहाँ प्लस दिए यो प्लस में गए हम के गैलरी चूज कर साथीहरु यहाँ गए तपाईहरु फ्रम गैलरी के चूज कर यहाँबाट तपाईहरुलाई यो पीएनजी चाहिँ डाउनलोड गरेर राख्नु पर्यो म तपाईलाई एउटा एप्स पनि हेराइदिन्छु तपाईहरु जुनसुकै फोटोहरु यहाँबाट तपाईहरु मजाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईहरु यो एल्बम में गए यहाँबाट तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ भने
गाड़ी या तो कुछ पीएनजी फोटो डाउनलोड कर सकूँ या तो गूगल बाट गई हाल मसंग यहाँ छदे यहाँ बड़ जस्ते मैं ये कार चाहिए यो कार ली हाल यहाँ बड़ टिक लगाइन ओके कर दून अब इस हम सानों कर दिशा एडजस्ट कर दूँ इसी मिलाइन होगा हाई ते पच्ची फिर हम अर्क भ्यान लिया यहाँ फर्म फाइल कर यहाँ बड़ फिर के पालो पालो ले हाल होगा यहाँ बड़ फिर मे यहाँ एटा भ्यान ली हाल यहाँ बड़ भ्यान गाड़ी ये भ्यान लिया ओके कर दी इसलिए हम सानों गए साइड में कतई राख दी हाई अब फिर मैं एटा अर्क गाड़ी लियान पर्यटन के यहाँ बड़ कार फिर इसमें गए हम के यहाँ फर्म फाइल कर जति बेला तब के सकूँ फोटो लियान सकूँ हाई यहाँ बड़ हम के फिर एटा अर्क हरियो खाले कार से लिया इसलिए तब यदि बड़ी यहाँ बड़ मिलाई हाल होगा इसी हाई यहाँ स्क्रीन में हेरे जस्ते तब एडजस्ट करें ओके कर इसलिए सानों गए तब सकूँ यहाँ यख दूँ हाई ली कर दिए अब हमी पर्ने यूट्यूब को साइन लियान पर्यो हाई सब्सक्राइब को फिर फ्रम फाइल में गए पे फोटो हम लिया हाल वन बाय वन ते पच्चीस हमें लेखने काम कर फटाफट मे यहाँ बाट सब्सक्राइब को यहाँ फोटो तब सब यूट्यूब में भेटी हाल यहाँ बड़ जस्ते सब्सक्राइब को बटन सब्सक्राइब लिया हाल यहाँ बड़ मिला ओके कर दून होगा हाई फिर इसलिए सानों गए मान मैं यहाँ तल राख्त तल राख दिए अब मान इसको बोर्डर दिन यहाँ बड़ हम के स्टोक में गए यहाँ बोर्डर एनिमल करें यहाँ बड़ ओके कर दिए हाई अब यूट्यूब को साइन लियान पे हाई तो फिर तब के इसमें गए यहाँ बड़ फ्रम फाइल में जानू हाई यहाँ बड़ योग में गए तब के सकूँ भी यहाँ बड़ यूट्यूब को साइन भी तब गूगल बाट डाउनलोड कर यहाँ बड़ यूट्यूब को साइन हाई यहाँ बड़ इसलिए ओके करें तब के इसलिए सानों करें यहाँ बड़ रोटेट भी कर सकूँ हाई जस्ते योजना यताउति सरी रहने सब लक लगाइन तलचा जस्तु लगाइन ये यउति सर्देन हाई लक चाह भैया यो मानव मैं के करो मत घुमा इसी यूट्यूब पर लक भैया इसलिए खोल दिन लो यूट्यूब मत घुमा अब हेन इसी घुमा इसको चाहे हम के स्टोक अलग व्हाइट कर दी हाई यहाँ स्टोक में गए तब के अनेबल करें इसको अब अलग वेट बढ़ाई दी हमी ली भाव योटा भाव इस अज एटा कर यहाँ बड़ तब कोपी भप्सन दी हाई यहाँ कोपी यहाँ बड़ तब हेर सकूँ यहाँ कोपी तब कोपी कर सकूँ कोपी में क्लिक करूँ यो इस अलग सानों कर दूँ हाई अलग सानों कर दूँ इसी ल ये काम भो इसलिए लक कर दूँ दुईटाला अब हम के टेस्ट लिख यहाँ बड़ तब पिक्चर में हेन सकूँ यहाँ से हम ड्राइविंग लाइसेंस लिखित परीक्षा हाई तो यहाँ बड़ तब के सकूँ यहाँ बड़ फिर हमी लेखना यहाँ तल ए दिए ए बाट हमी लेखना सकता हाई ये ए में क्लिक कर हमी टेक्स्ट लिख सकता ए में क्लिक कर यहाँ बड़ प्लस में क्लिक करूला अभी यहाँ बड़ तब यहाँ हेन तो यहाँ न्यू टेक्स्ट बने यहाँ बड़ हम के डबल ट्रैप कर यहाँ बड़ तब जे लेखना चाहूँ तो लेखना चाहू सकूँ हाई यहाँ बड़ मैं ड्राइविंग लाइसेंस लेख ड्राइविंग लाइसेंस हाई लाइसेंस लेख दिए अभी ओके कर दिए लो ये भो अब इस हम लाइसेंस मैं तल कर इसी मोबाइल बा यहाँ बड़ तब तल गई हाल यहाँ इंटर थीचे ओके कर दून होगा यहाँ बड़ अब हमें फन्ट मिलाउनु पर्यो हाई तो फन्ट वाला काम सब ए बाटे हुन्छ यहाँ बड़ तब के सकूँ कलर दिनु पर्यो यहाँ बड़ कलर एक दुईचोटी चलाउनु हुन्छ सब था यहाँ बड़ साइज बढ़ाने सकूँ यहाँ हेर्न सकूँ यहाँ बड़ साइज बढ़ है ल यहाँ बड़ हमी फन्ट पनि चेंज कर बोल्ड इटालिक यहाँ बड़ के साइज में गए अलग पे हम साइज बढ़ाई हाल ये इसलिए अलग बोल्ड करी हाल हम ल यहाँ बड़ तब फन्ट स्टाइल चूज करी हाल होगा तब जो स्टाइल मन पर्छ यहाँ म यो चंग फाइव यहाँ बड़ चूज करी हाल तब जो राम लगे तो चूज कर यहाँ बड़ हमी बोल्ड में गए बोल्ड कर दूँ अलग यहाँ बड़ तब स्टोक दी हाल हाई यहाँ बड़ स्टोक हमी अलग बढ़ाई दी यहाँ बड़ तल कर यहाँ बड़ फोर्स अलग बढ़ाई दून होगा अब तब कलर अब कलर कस्तो एकचोटी हेरी हाल हाई इसको कलर जस्ते यो यहाँ बड़ हमी के कलर दिन यहाँ बड़ तब कलर में जानू होगा ये डिब्बा जस्तो कलर में गए यहाँ बड़ हमी कलर चूज करी हाल हाई अब अलग ये सानों भाई अलग ठूल कर यहाँ बड़ ठूल करी हाल होगा अब यहाँ बड़ तब के सकूँ भाई मिलाई हाल हाई अभी इसी हल्का रोटेट करी इस मिलाई दूँ ली काम सको अब लिखित परीक्षा लेख् पर्यटन फिर इसमें जानू यदि तब आऊदन इसमें कीबोर्ड में नेपाली कीबोर्ड डाउनलोड करूँ हाई अभी मत लेखा यहाँ बड़ न्यू टेस्ट आयो यहाँ बड़ जस्ते मैं लिखित परीक्षा लेख् पर्यटन यहाँ बड़ तब फन्ट चेंज कर सकूँ हाई यहाँ बड़ नेपाली गए तब लिखित परीक्षा हाई परीक्षा लेख दिए अभी ओके कर दिए
यसलाई पनि तपाईहरु एडजस्ट गरिहाल्नु होला है त्यही तरिकाले ल अलि धेरै सबै हेराउन थाल्छ भने भिडियो लामो हुन्छ ल यहाँबाट तपाईहरुको यो भइहाल्यो अब त्यसपछि हाम्रो के छ भने यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ चार पाङडे सवारी है त्यो चार पाङडे यसलाई तपाईहरु के गर्नु भने कपी गरिहाल्नु यहाँबाट आउँछ यसलाई डबल ट्याप गरेर तपाईहरु यहाँबाट लेख्दिनु चार पाङडे है ल यहाँबाट हामी के गर्दिन्छ भने चार पाङडे गाडी माइनस दिएर यहाँबाट पाङडे सॉरी पाङडे गाडी ल यसरी तपाईहरु लेखिहाल्नु होला है मिलाएर कहाँ गयो त ल तपाईहरु यसरी चार चक्का म लेख्दै छु है चक्का ल यहाँबाट ओके गर्दिनु होला यहाँबाट यो एडजस्ट गर्नु होला यहाँबाट हामी के गर्छौं नि यसलाई साइज अलिकति ठुलो भयो यहाँबाट सानो गर् जहाँबाट ठुलो गर्नुहुन्छ त्यहीबाट सानो हुन्छ यसरी मिलाइदिनु होला ओके गर्दिनु यहाँबाट कलर पनि तपाईहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुलाई जुन कलर चाहियो जुन एट्र्याक्टिव लाग्छ त्यो कलर मिलाएर हाल्नु होला जस्तै मैले यो हाल दिए अनि यहाँबाट ओके गर्दे है अब अरु यही तरिकाले तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ नि डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै लेख्दै गर्नु यो तरिकाले तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ नि आफ्नो एट्र्याक्टिव प्रोफेशनल थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने साथीहरु कृपया लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिनु होला है यहाँबाट तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो तरिकाले तपाईहरु आफ्नो युट्युब को लागि प्रोफेशनल थम्बनेल बनाउन सक्नुहुन्छ अब यति भन्दै म तपाईहरुसँग बिदा